रक्त से जुड़ी बीमारी थैलेसीमिया असाध्य मानी जाती है। देश में हर साल मेजर थैलेसीमिया से ग्रसित 10,000 बच्चे जन्म लेते हैं, पर क्या समय के साथ इनका इलाज आसान हुआ है? क्या थैलेसीमिया का टेस्ट हर माता पिता को करवाना चाहिए? इसके अलावा इस रोग के बारे में और भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस बीमारी से जूझ रहे बच्चों और उनके अभिभावकों के मन में हैं। उनके मन की भ्रांतियां तथा उनके प्रश्नों के जवाब जानने के लिए समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल के नागरिक अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद कमल से विशेष बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यह बीमारी जेनेटिक बीमारी है, यानी माता पिता में किसी एक को है तो ही बच्चे को यह बीमारी हो सकती है। अगर माता पिता में से किसी एक को थैलेसीमिया है तो बच्चे को माइनर थैलेसीमिया हो सकता है, और यदि दोनों को है तो ऐसे में 25% बच्चों को मेजर थैलेसीमिया होने की आशंका रहती है। इसमें 25% बच्चे सामान्य हो जाते हैं तो 50% बच्चों को माइनर थैलेसीमिया की आशंका हो सकती है। बच्चे में थैलेसीमिया के संक्रमण को रोका जा सकता है, बशर्ते माता पिता वक्त रहते अपनी जांच करवा ले, डॉक्टरी सलाह से इसका इलाज किया जा सकता है। आप देखिए क्या कुछ कहा डॉक्टर विनोद कमल ने। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि आगामी 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में हर साल 10,000 से अधिक बच्चे थैलेसीमिया का एक प्रारूप, जिसे कि मेजर थैलेसीमिया कहा जाता है, उससे ग्रसित हो जाते हैं। इसमें लोग थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों के मन में और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके मन में कई तरह के सवाल हैं। उन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं करनाल के सामान्य अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद कमल। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर थैलेसीमिया क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, और हमारे यहाँ करनाल में और स्तर पर सरकार के स्तर पर क्या प्रबंध किया गया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो विश्व थैलेसीमिया दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, और इसको मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि थैलेसीमिया के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को यह बताया जाए कि थैलेसीमिया क्या है और यह बीमारी किसको हो सकती है, और क्या थैलेसीमिया से बचा जा सकता है, और क्या थैलेसीमिया से जो ग्रस्त बच्चे हैं उनको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, और क्या इस बीमारी का स्थायी इलाज संभव है या नहीं, और कुछ इसको लेकर लोगों के अंदर भ्रांतियाँ भी रहती हैं, मैं उनके बारे में भी आपके बीच जानकारी शेयर करूँगा। सर, एक चीज़ ये बताइए कि जो बताया जाता है कि ये जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, अगर पेरेंट्स में से किसी को है तो बच्चों को भी हो सकती है, क्या ये सत्य है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो थैलेसीमिया है यह रक्त से जुड़ी एक अनुवांशिक बीमारी है, यानी कि अगर माता पिता दोनों में से किसी को भी थैलेसीमिया है तो उनको तभी उनके बच्चों को यह बीमारी हो सकती है। और थैलेसीमिया से अगर दोनों में से एक को अगर थैलेसीमिया है तो इसमें ज़्यादातर चांस ये रहते हैं कि बच्चे को माइनर थैलेसीमिया ही होता है। अगर माता पिता दोनों को ही थैलेसीमिया है तो इस तरह के जो पति पत्नी हैं उनके जो 25% बच्चे हैं उनको संभावना ये रहती है कि उनको थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, और 25% जो बच्चे हैं उनको थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, और 50% जो बच्चे हैं उनके वो सामान्य हो सकते हैं। फिर इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? जो थैलेसीमिया से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सबसे पहले कि है, क्योंकि इस थैलेसीमिया जो बीमारी है इस तरह के ग्रस्त बच्चों में लगातार हीमोग्लोबिन गिरता रहता है, और जिसके पीछे कारण यह है कि इस तरह के ग्रस्त बच्चों में जो RBC यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो बेहद कम मात्रा में बनती हैं, और जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। तो इस वजह से जो लक्षण शुरू में देखने को मिलता है कि बच्चों के अंदर शरीर का पीलापन दिखाई देने लगता है,
और इस तरह के बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और वो अगर जो बच्चा स्तनपान करता है तो वो स्तनपान भी कम करना शुरू कर देते हैं, और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चों का जो वज़न बढ़ना वो कम हो जाता है। और जो इस तरह के बच्चे हैं, ये देखने में ये भी आया है कि जो इस तरह के बच्चों का जो पेट है, पेट का जो साइज है, आकार है, वो सामान्य बच्चों की तुलना में कुछ बड़ा हुआ नज़र आने लगता है। सर, जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात की थी, हमें सुनने में ये भी आया था कि जिन बच्चों को मेजर एनीमिया होता है, मेजर थैलेसीमिया होता है, उनके लिए रक्त के लिए संसाधन जो है कम पड़ जाते हैं, क्या इसमें कोई सत्य है या भ्रांति है? भी ऐसे है, जो मेजर थैलेसीमिया है इस तरह के बच्चों को रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएँ यानी कि रेड ब्लड सेल चढ़ाए जाते हैं। परंतु इस आज के समय में इस तरह के रक्त की कोई कमी नहीं है, और जैसे कि हमारा शहर करनाल है, यहाँ पे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है और दूसरा हमारे शहर में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, तो इन दोनों अस्पतालों के अंदर अब ये जो रेड ब्लड सेल जो इन बच्चों को चढ़ाए जाने होते हैं उनकी उपलब्धता बड़ी आसानी से है। और जबकि इससे पहले पेरेंट्स को बच्चों को लेकर दिल्ली या रोहतक जाना पड़ता था, तो अब उनको रोहतक चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने शहर के अंदर ही इस तरह के बच्चों को रक्त चढ़वा सकते हैं और समय समय अपने बच्चों की जांच करवा सकते हैं। और मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो करनाल ज़िला है, इसके अंदर लगभग 75 से 100 बच्चे थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त हमारे पास हैं। सर, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया था कि अगर युवक और युवती दोनों थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं तो क्या उनको शादी करनी चाहिए? ऐसे है, ये अगर दोनों को थैलेसीमिया है, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो वो शादी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो समय रहते अपनी जांच कराएं, और जब वो गर्भाधारण से लेकर 12 हफ्ते के अंदर वो भ्रूण की उनको हमेशा जांच करानी चाहिए, और ताकि ये पता चल सके कि बच्चे को कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है या नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। इसके लिए क्रोनस विल्लस सैम्पलिंग एक टेस्ट होता है, तो वो मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगा कि वो प्रत्येक दंपति को करवाना चाहिए, ताकि ज़रूरी नहीं थैलेसीमिया का जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चले, उस टेस्ट से अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर्स का भी पता चलता है और समय रहते डॉक्टरी सलाह से उसका इलाज भी संभव है। सर, क्या थैलेसीमिया का इलाज संभव है आज की डेट में? ऐसे वैसे तो जो थैलेसीमिया है तो उसके अंदर जो बच्चों में जब खून की कमी 9 ग्राम डेसीलीटर से कम अगर हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी, तो इस तरह के बच्चों को समय समय पे खून चढ़वाने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ऐसी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको समय बर्बाद ना करते हुए समय पे खून चढ़वा लेना चाहिए। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो थैलेसीमिया का रोग है, इसका स्थायी इलाज भी संभव है, और स्थायी इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और इसके अंदर जो माता पिता और भाई बहन हैं वो आदर्श डोनर माने गए हैं। सर, एक ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा आपसे कि जैसे जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, इनको समय समय पर रक्त की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर करनाल के मेडिकल कॉलेज में और करनाल के सामान्य अस्पताल में इस समय रक्त की क्या स्थिति है, कैसे बच्चों को समय पर रक्त मिल जाता है? ऐसे आज के समय में हमारे शहर के अंदर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और जिला नागरिक अस्पताल दोनों के अंदर ब्लड बैंक हैं, और किसी भी ग्रुप की कोई ब्लड की कोई कमी नहीं है, और जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं उन बच्चों को बिल्कुल समय रहते यहाँ पे ब्लड उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि इनको रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिकाओं का ही ब्लड चढ़ाया जाता है, वो बड़ी आसानी से उपलब्ध है। और अब तो मैंने भी ये देखा है कि यहाँ पे बच्चे अब दिल्ली या चंडीगढ़ जाने के बजाय यहीं पे आके ब्लड चढ़वाने लगे हैं, और मैं जिन लोगों का भी नहीं ये जानकारी है तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि उनको अब यहीं पे आके अपना ब्लड चढ़वाएं, यहाँ पे सारी सुविधा है, और जो थैलेसीमिया के बच्चों को
दवाई भी यहीं दोनों अस्पताल में दी जा रही है। सर, ऐसे जो रक्तदाता हैं जो समय समय पर रक्त करते हैं, उन रक्तदान करते हैं, उनके द्वारा किया गया रक्तदान ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सर उन रक्तदाताओं के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? तो मैं तो रक्तदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि वो क्योंकि ये सबको मालूम है कि रक्तदान महादान, तो रक्तदाता अपना समय समय पर दोनों हॉस्पिटल्स में अपना ब्लड डोनेट करते रहें, ताकि दोनों हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक में किसी भी प्रकार की ब्लड की शॉर्टेज ना हो, और समय रहते जिनको रक्त की ज़रूरत है, जिन लोगों को रक्त की ज़रूरत है, वो उनको आसानी से रक्त उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद। ये देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कंवर करनाल के सामान्य अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जिन्होंने हमें थैलेसीमिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इन्होंने यह भी बताया कि करनाल में इस समय 75 से 100 ऐसे बच्चे हैं जिनका थैलेसीमिया का इलाज चल रहा है। इससे पहले उन्हें रोहतक या दिल्ली या चंडीगढ़ में जाना पड़ता था ब्लड ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन अब उन्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। करनाल के सामान्य अस्पताल में और करनाल के मेडिकल कॉलेज में इस तरह के बच्चों की इलाज के लिए संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध है। तो इसके अलावा उन्होंने रक्तदाताओं से भी अपील की है कि अपनी क्षमता अनुसार, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह के बाद रक्तदान कर सकता है, और उनके द्वारा किया गया रक्त इन बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.